Hey guys, welcome to my channel. Before we start this video, I would really appreciate if you take a moment and subscribe to my channel and give this video a thumbs up. ज्यादा ही कैजुअल हो गया ये तो. आई नो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि विल ट्राई टू एटलीस्ट अपलोड वंस अ वीक. मैं ये जुदाई का गम नहीं सह सकती, बट यू नो हमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. समझ लो कि हमारा लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है. बट गाइज आई थिंक भगवान भी चाहता है कि हम जुदा ना हो. तो लेट मी टेल यू कि हुआ क्या. हमारे कॉलेज ग्रुप में मैसेज आया कि हमारे एग्जाम पोस्टपोन हो चुकी है. Yes. मैंने प्रिडिक्ट तो किया था, लाइक मैं और सुष्टि बात कर रहे थे इस बारे में, बिकॉज हमारे कॉलेज का ना एक ट्रैक रिकॉर्ड है. ये हर बार ना वो हमें डरा देते हैं कि एग्जाम आ जाएगी ताकि हम हमारी फीस भर दें. आज है 3rd June. ये समर वेकेशन कुछ ज्यादा ही लंबा हो चुका है. मेंटली आई फील लाइक मैं ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुकी हूँ, लाइक आई एम फ्री. एनीवेज गाइस, मैं अभी थोड़ी जल्दी में हूँ बिकॉज यू नो व्हाट, आज हम जा रहे हैं पलेडियम मॉल एंड आई हैव टू पिक हर अप एंड वो आधे घंटे में आ जाएगी. मैं अभी तक रेडी नहीं हुई. दिस इज गोइंग टू बी अ रियली टफ टास्क बिकॉज सुष्टि के पास फोन में इंटरनेट नहीं है. मेरे फोन में नेट है, मैंने डलवा दिया, ठीक है. आफ्टर दैट लास्ट इंसिडेंट मैंने रिस्क नहीं लिया. अभी 2 दिन पहले मैं गई थी थ्रिफ्टिंग. यू नो व्हाट गाइस, द कर्स हैज बीन अपलिफ्टेड, कर्स हैज बीन रिमूव्ड, द कर्स हैज बीन. दिस थ्रिफ्टिंग ट्रिप वॉज सक्सेसफुल. या यू नो व्हाट, मैं आपको पहन के दिखा देती हूँ. या आई होप ट्रांजिशन अच्छा हुआ हो. बट या दिस इज द नॉर्मल टी शर्ट दैट आई गॉट. मेरे पास इतनी ज्यादा ओवर साइज टी शर्ट्स है, यू हैव नो आइडिया. आई थिंक यू हैव द आइडिया. आई गॉट दिस जीन्स. This is the t-shirt that I love. I know इसके you know थोड़े portion निकल चुके हैं, but I don't care. इसके ऊपर stones है guys. इसके ऊपर ऐसे ऐसे stones है. It is ridiculously oversized. This is the last thing and this is way too tight, 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 tight for me. But I don't care. The sleeves, look at the sleeves. It just looks so royal. It makes me feel like I am in Bridgerton or something, my lady. See guys, मैं बहुत ही ज्यादा लेट हूँ. 5 मिनट में मुझे निकलना पड़ेगा और एल्स मैं पहुंच नहीं पाऊंगी मेट्रो स्टेशन एट टाइम. एंड सृष्टि इज स्कैरी बिकॉज उसने मुझे 4 बार वार्निंग दी है, बिल्कुल भी लेट मत होना. एंड यू नो माई नेचर, आई एम ऑलवेज लेट. आई विल सी यू आफ्टर आई एम डन. अपडेट गाइज, आई जस्ट ड्रॉप्ड माई फाउंडेशन ऑन माई जीन्स पूरा यहाँ पे. आई एम सो हद से ज्यादा लेट हूँ भाई. एट दिस पॉइंट आई फील बैड फॉर सृष्टि. आई एम सच अ बैड फ्रेंड. सी मैंने अहमदाबाद की मेट्रो ट्राई नहीं की, सो मुझे पता नहीं था कि इतने ज्यादा गेट्स होते हैं. एंड आई डोंट नो कि वो कौन से गेट पे आई है. शिट, मैंने उसका फोन ट्राई किया लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा भाई. गेट 1 2 3 4, कितने गेट कवर करूं. मैं थक गई हूँ भाई. मैं स्टेशन पे खड़ी हूँ, तो अभी कोई ट्रेन आएगी मेट्रो तो मैं देख लूंगी उसमें से. यू नो व्हाट, लेट्स थिंक पॉजिटिव. मे बी वो लेट है, मे बी अभी तक वो आई नहीं है. अभी तक नहीं मिल रही. नाउ आई एम वेरी वरीड. उसे किसी और का फोन लेके मुझे फोन कर देना चाहिए था भाई. दिमाग से सही हो गया भाई मेरा. वो अर्धो कलाक नहीं, आई नो व्हाट. बैक होम आफ्टर लॉट ऑफ इश्यूज एंड ट्रबल्स. 1 घंटा लगा इसको यहाँ पे लाने के लिए. मैंने कोई इश्यू टोटली हर फॉल्ट. नो इट्स नॉट टोटली हर फॉल्ट. हाउ इट्स माय फॉल्ट. इसने बोला था, इतना इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि मैं 30 मिनट में आ जाऊंगी. टर्न्स आउट 1 घंटा लगा पूरा और मैं वहाँ मेट्रो वाज लेट. लाइक हम प्रिडिक्ट थोड़ी कर सकते कि कितना लेट होगा कितना नहीं होगा. ये ट्रांसपोर्टेशन है. इट्स ओके, इट्स ओके. मेरी आदत है नहीं. सी आई एम द वन जो हमेशा लेट होता है. एंड अगर वो चीज उनो रिवर्स मेरे पे हो तो आई कांट हैंडल इट. ठीक है, अभी बहुत ही बड़ा उनो रिवर्स हुआ है मेरे साथ.
और मैंने जो गेट प्रिडिक्ट किया था, मुझे ऐसे गट फीलिंग में था कि ये गेट नंबर 2 से ही निकलेगी, एंड दैट एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। कितनी जोरदार गट फीलिंग थे जो है तो यार स्पिरिचुअल कनेक्शन, वाह, शी इज माय सोलमेट। ऑलरेडी 12 बज चुके हैं, थोड़ी देर आराम करके हम निकलेंगे पलेडियम मॉल के लिए। कुछ हेल्दी खाना बनाएगी, कुछ तो बनाएगी। सृष्टि क्या करती है पता है, बहुत लेट देखती है मेरे व्लॉग, मेरे एक महीने पुराने व्लॉग वो अब देखेगी, बट नाउ शी इज रेगुलर। छू तो छू, वाह वाह, उपकार उपकार उपकार। नाउ लेट्स गो टू मॉल, लेट्स विंडो शॉप। तो गाइस क्या करूं मैं, इतनी सुंदर हूं तो आप ही बताओ। मे भी मुझे ये नहीं पहनना चाहिए था यार, इतना अच्छा नहीं लग रहा, नॉट गुड। आई एम इन टाको बेल, पहले पेट पूजा होगी फिर हम शॉपिंग करेंगे। आई एम इन विंडो शॉपिंग। ये खुशी ने हमें घर पे कुछ खिलाया नहीं था इसलिए हमें बाहर खाने आना पड़ रहा है। भिंडी की सब्जी खानी है तुझे? नहीं, मैं यहाँ पे टाको बेल खिला रही हूँ। मेरे घर पे जो गेस्ट आएंगे वो डिसअपॉइंट ही होंगे, बिकॉज मैं बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं करती मेरे गेस्ट के लिए। आई एम अवेयर। हाँ, यू आर अवेयर, विच इज नॉट अ गुड थिंग, बट अब क्या कर सकते हैं, मुझे इतनी आदत नहीं है लोगों को होस्ट करने की, समझे। कोमल आती है मैं उसको पानी तक नहीं पूछती, अपने आप ले लो फ्रिज में से, यू आर अलाउड टू टच एनी थिंग। तुम्हारू लहजे के तारू लहजे से पूछती जबरी। See, I love Taco Bell, but there are few things that I need to point out. ये जो फ्राइम्स थे वो दिखने पे भी खराब लग रहे थे एंड उनका टेस्ट भी बहुत ज्यादा खराब था। यू नो, इससे अच्छे तो मैंने 5 रुपए वाले गोपाल खाए होते तो मुझे ज्यादा मजा आता। एंड ये जो बरीटो वट एवर आई डोंट गिव अ फक, वो भी बहुत ही ज्यादा बकवास था। टाको ठीक ठाक था, आई मीन एवरेज। उन्होंने हमें मस्टर्ड सॉस वगैरह नहीं दिया था जो यूजुअली सारे टाको बेल वाले देते हैं, सो इसलिए मुझे मज़ा नहीं आई। एंड फ्राइज, टाको बेल की फ्राइज इज़ द बेस्ट, सो फ्राइज तो बहुत मस्त थी। इतना मज़ा नहीं आया टू बी ऑनेस्ट दिस टाइम इन टाको बेल, बट या क्या कर सकते हैं। ओवरऑल 6 out of 10 फॉर मी, इज 5 out of 10। ओके, सृष्टि इज वेरी स्ट्रिक्ट जज। शेक मेकर गाइज माई फेवरेट। ओह, लीक क्यों हो रहा है भाई? ऑलमोस्ट शेक मेकर में से सारे शेक ट्राई किए हुए हैं। इसको ना काफी मेहनत से सक करना पड़ता है, इतनी मेरी लंग कैपेसिटी है नहीं। टाइडल वॉल्यूम, टाइडल 250 ml। अभी तक हमने बिल्कुल भी विंडो शॉपिंग स्टार्ट नहीं की। दो बज चुके हैं, अभी हमें जाना है जारा, देन H&M, आल्डो, कोच एंड Forever 21। या Forever 21 जाना है। क्यूट पोज बट वेरी एक्सपेंसिव, रिडिकुलसली एक्सपेंसिव। हां, रिडिकुलसली, ये कुछ है नहीं। एंड 70 rupees, नो। हाय, इसका पर्पस समझ में नहीं आ रहा, क्या है क्या है डब्बा? सिर्फ इसके ऊपर लिखा नहीं है कि ये किस चीज के लिए यूज होता है। दिस इज जस्ट अ बॉक्स, दिस इज लिटरली हेवन। दिस इज सो सेक्सी। वाओ, मुझे ऑर्गेजम आ गया भाई। दे हैव सो मेनी गुड कैप्स, बट कितने की है? 400 रुपए की। बाय, फैशन सेंस तो है मेरा लेकिन पैसे नहीं है। खुल। आई थिंक आई लुक लाइक जेसी फ्रॉम टॉय स्टोरी। नाइस, हाइट तो है सृष्टि की, कोई फर्क नहीं, जो अंतर इतनी बड़ी नीचे है, 4 सेंटीमीटर का फर्क है। और 5'3" ओके, 2-3 सेंटीमीटर और चाहिए थे मेरी हाइट में। मुझे इतना 5'7" तो मुझे चाहिए ही था लेकिन नहीं पहुंच पाई, मैं क्या करूं। गाइस, आई थिंक आई एम गोइंग टू बाय दिस बैग। मुझे कॉलेज के लिए काफी टाइम से बैग चाहिए था, सो दिस इज वेरी एक्सपेंसिव बट इट इज सो गुड, इट्स जस्ट परफेक्ट। कोई लोगो नहीं है, कुछ नहीं है, एंड इसके अंदर मेरा मैकबुक भी आ जाएगा, सो
आई थिंक आई एम गोइंग टू बाय दिस वन. आई थिंक यू नो द आंसर. अगर मैं फ्यूचर में कोई भी कैट लूंगी तो मैं उसका नाम क्या रखूंगी? आंसर. थ्री, यू हैव थ्री चांसेस. ओके, ऑप्शन प्लीज. नो नो ऑप्शन, जस्ट टू यू नो सृष्टि, यू नो मैंने आपको बताया हुआ है. प्लीज बताया हुआ. यस, यू नो विच कैट आई लाइक द मोस्ट. हिंट, एनीमे. She knows me. She knows me. कैसे स्टार्ट होता है ब्रो? कैसे? नारुतो. You are exactly as Naruto. Okay. आपके पैर तक आ रही हूँ मैं. अब बस. Okay. ये five five होना था. Damn it. Damn it. Damn it. Noise. Very noise. Zara, I am coming. I am coming. Zara की हवा ब्रो. Breathe. I don't think so कि मैं इतनी भी worthy हूँ कि I can try this. This is so sexy. ब्रो मैंने जैसा जीन्स खरीदा है एग्जैक्टली वैसा जीन्स है ये. एग्जैक्टली. बाय बाय ज़ारा, विल कम सून विथ मनी. डैम डैम नाइस. प्राइस भी बहुत अच्छी है. कुछ ज़्यादा ही गरीब फील हो रहा है. और ज़ारा में आने के बाद तो उससे भी ज़्यादा गरीब फील हो रहा है हम लोगों को. आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग. वाह, इतनी मस्त मस्त ब्रास है भाई. वाह, 800 रुपए की चप्पल तो मैं ना लूं भाई. ना, आफ्टर बाइंग नथिंग बट विजिटिंग ऑलमोस्ट एवरी स्टोर सक्सेसफुल. अभी हम जा रहे हैं थ्रिफ्टिंग करने. भाई थ्रिफ्टिंग मस्त होती है. मैंने जितने भी कपड़े देखे लाइफस्टाइल में या फिर मैक्स में या फिर ओनली में, सारे के सारे आई कैन बाय फ्रॉम थ्रिफ्टिंग. मुझे मिल जाएंगे. बिकॉज ये जो जीन्स देख रहे हो आप, सेम टू सेम जीन्स ज़ारा में था. सेम जीन्स. पैर दुख रहे भाई. ये दुख रहा है. बाय बाय. मेरे बोला था कि मेरी ओला की डिक्की में प्रॉब्लम है. यू सी, ओपन दिखा रहा है लेकिन ये खुल नहीं रही. एंड हमारा दुपट्टा, हमारे हाथ के मोजे, सब कुछ इस डिक्की में है. आई नो, मैंने बोला था खुल जाएगी. सृष्टि इज वेरी लकी, खुल गई. व्हाट द फक, भगवान ने ऐसा ना सिर्फ मेरा क्यों नहीं लिखा यार. यू सी, ये ओपन. यू सी भाई, सृष्टि का नसीब है भाई. बाय बाय बाय. तो मेरा नसीब इतना खराब क्यों है? नहीं है, बंद कर. ये मेरा आज आम वर्कआउट भी हो जाएगा. वाह भाई. इट इज द नेक्स्ट डे गाइज. एंड मैं आउटरो करना भूल गई थी बिकॉज आई वॉज सो टायर्ड. मेरे इतने ज्यादा पैर दुख रहे थे बिकॉज इतना चले हैं हम. मेरे अपर बॉडी के साथ साथ मेरी लोअर बॉडी भी बहुत ज्यादा वीक है. काफ मसल इतने दुख रहे हैं अभी तक मुझे. यार मेरे बाल कितने खराब लग रहे हैं. शिट, मैंने आज सुबह हेयर वॉश किया है एंड दिस इज द हालत. आई डोंट ब्लो ड्राई माई हेयर. दिस इज जस्ट अ फ्लफी मेस. This is the jeans that I bought. I bet Jesus Christ is smiling right now. He's so happy. I named these jeans my holy jeans. My holy jeans. Yes. That's it for today's video guys. I hope you enjoyed this video. And अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना. एंड कॉमेंट डाउन एनी थिंग यू वॉन्ट. प्लीज गाइज कॉमेंट डाउन करना. प्लीज कॉमेंट डाउन. I love you guys so so much and I will see you very soon. Bye.